हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। देखो, ये मैंने लिया है आधी किलो खोआ है। आधी किलो खोआ में 100 ग्राम या 150 ग्राम पनीर डल जाता है। आप और इसमें जैसे कि आधी किलो खोआ तो 100 ग्राम पनीर और 100 ग्राम ही मैदा और 2 चुटकी सोडा। तो सोडा अभी हम डालेंगे नहीं, पहले हम मैंने पनीर को तो मसल के तैयार कर रखा है, पर अब ये खोए को मसलेंगे, इसको मसलेंगे। देखो इस तरीके से मसला जाएगा, ऐसे हत्ती से बड़े बर्तन में इस तरीके से हम हत्ती से मसलेंगे। जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, जैसे हमने ये पनीर को सॉफ्ट करा है, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम खोए को सॉफ्ट करेंगे। खोआ मसल दिया और खोआ पनीर दोनों को एक साथ हम इसको सॉफ्ट कर रहे हैं, एक साथ मसल के, जिससे ये एक साथ मिल जाए। फिर इसको ये एक साथ सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा से मसलते मसलते। अब इसमें हम डाल रहे हैं मैदा, ये भी हमारी 100 ग्राम मैदा है, इसको हम इसी में डाल के मसल लेंगे। और आप जैसे बाजार का खोआ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम ही फिक्स डलता है। और आपने फुल फैट का जैसे खोआ बनाया है बफेलो का, तो आप उसमें ज्यादा भी वो डल जाता है, जितनी ज्यादा फैट होता है तो उसमें मैदा हमारी 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम मैदा आ जाती है। जब तक हम ये पनीर ये मसलेंगे खोए को, जब तक हम चाशनी बनाने रखते हैं। ये हमने आधी किलो में 1 किलो चीनी ली है, ये हमने 1 किलो चीनी इसमें डाल दिया है, जब से चाशनी तैयार कर लेते हैं हम। और 1 गिलास हमने पानी डाला है, पानी रख दे रहे हैं। अब हमने इसको चाशनी को बनाने रख दिया है। अभी एक तरफ हमारी चाशनी बन के तैयार होती रहेगी, इसको बीच में चलाते रहेंगे और फिर हम इसको जब तक संगी हम मसलते जाएंगे। हमने इसमें अब ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, इसको ऐसे चेक करेंगे, ये ऐसे ऐसे चिपचिपा आना चाहिए। ये देखो चिपचिपा सा आ रहा है, बचे ये ऐसे गिरा के देख लो हल्का सा, बस ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये हमारा बिल्कुल आटे की तरह से मर गया है, जैसे मैदा होती है। और इसमें ये मेरा घर का खोआ था और घर का ही पनीर था, तो इसमें चिकनाई ज्यादा थी, तो इसमें मेरा लग गया है इसमें मैदा 200 ग्राम। और ये देखो अब इसको हम ऐसे करके देखेंगे, देखो इसमें चिकनाई कितनी छोड़ रही है, अत्ती पर देखो चिकनाई छोड़ दी है। तो ये हमारे बिल्कुल बढ़िया है और ना ही हमारी फट रहा है गोला करके। अब हम इसके गुलाब जामुन तैयार करेंगे। इसको आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हो, आप चाहो तो रिफाइंड में, पर मैं बना रही हूँ देसी घी में, तो उससे स्वाद अच्छा लगता है। और चाशनी में आप चाहो केसर या इलायची पसंद करते हो डाल सकते हो, मैं कुछ नहीं डाल रही। इसमें थोड़ा कलर डालूंगी मैं और फिर इसको बतासे वाले हम वो बनाएंगे गुलाब जामुन। हमने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाला है जिससे हलवाई जैसे हमारे गुलाब जामुन लगे। इसको हम फिर से दोबारा से इसको मसल लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 2 चुटकी के बराबर सोडा, आपको दिख रहा होगा 2 चुटकी है, ये देखो ये 1 चुटकी और ये 2 चुटकी। अब इसमें हमने 2 चुटकी सोडा डाल के अब ये कलर और ये थोड़ा इससे सब चीज मिक्स हो जाएगा इसमें। और जब और अच्छी तरह इसको मसल के, ये भी देखो पूरा एक सार हो गया। अब ऐसे हम इसको इसे मसल मसल के, और देखो हमारा कितना बढ़िया आ रहा है, अब बिल्कुल परफेक्ट हमारे मसल गए हैं। ये क्या कर रहे हैं हम इसको मसल कर एक साथ कर रहे हैं, जब तक हमने इसको घी गर्म करने रख दिया है। ये देखो देसी घी में हम बना रहे हैं, जब तक घी बना के रख रहे हैं। इसके पहले हम लोई तोड़ लेंगे, फिर हम इसमें ये बतासे भर भर के हम बनाएंगे। छोटे बतासे में हम छोटा वो कर रहे हैं। अभी देखो हम इसको ऐसे दबा के अत्ती से इसमें एक बतासा रखेंगे और फिर इसको ऐसे करके हम इसको ऐसे घोड़ेंगे। इसको पहले हम इसको चोट कर लेंगे कहीं चटक नहीं जाए। फिर इसको हल्के हाथ से हमें राउंड बनाना है, ऐसे हल्के हाथ से ये राउंड बनेगा। अब ये देखो ऐसे हम पहले इसमें एक डाल के देखेंगे कढ़ाई में तो इसको फूट नहीं जाए। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, तेज गर्म होने के बाद इसको मद्दा करके हमें इसमें डालना है, ऐसे ढलवा के डालना बगल से। और हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ घी को हिलाना है हमें। घी लाएंगे तो ये हमारा अच्छा भून के आएगा और नीचे तले में लगेगा भी नहीं, ऐसे घी को हिलाना है बस इस तरीके से। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाए उठ के, जब तक हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना। ये देखो
मध्य आंच में बनना है। पहले घी को तेज कर लिया था अच्छा सा गर्म, फिर इसको हमने स्लो गैस पे हम ये कर रहे हैं। कितना देखो कितना अच्छा हमारा ये टिक गया है। बस हमें ऐसे उतारना है और हम इसे उतार के हम इसको अलग रख लेंगे। इसको ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे हम ऐसे राउंड बना के तैयार कर देंगे बतासा लगा लगा के। ये देखो हमारे ये सीख चुके हैं, अब हम इसको निकाल दें। ऐसे हम इनको सारे सेक लेंगे। हमारे गुलाब जामुन देखो कितने फूल के आए हैं, एकदम से फूल गए। हमने छोटे बनाए थे, बिल्कुल फूल गए। ये देखो हमारी सिकने पे आ गए हैं, जब तक ये हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इस पे सिकने पे आ जाएं जब हम इसको चाशनी में डालेंगे। ये आपको बता दें इसे आपके बैठेंगे नहीं और थोड़ा चाशनी में डूबनेंगे, एक घंटा बाद आप इसको खा सकते हो। अब ये भी उतर गई है, इसको भी हम ये हमने मीडियम आंच पे बनाए हैं सारे गुलाब जामुन। पहले हमने मद्दी करके हमने गुलाब जामुन डाले थे, फिर बाद में हमने मीडियम आंच करके तब फिर गुलाब जामुन सेके हैं। को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, पसंद आए या नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे मैं आपको और वीडियो दिखा सकूं। ये देखो हमारे देखो कितने नरम बन के तैयार हुए। ये देखो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुए। ये देखो कैसे लग रहे हैं, ये हमारे बन के तैयार हुए।